Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start chapter number 11, construction. Okay, so first of all, basic knowledge of construction. It means in this chapter we learn about chapter 11, construction. Okay, first we learn in this angle bisector. Second, triangle. And triangle में भी three types होंगे. First, sum of two sides given. Difference of two sides given, and third is perimeter given. It means sum of all three sides. Perimeter given. Okay, and ये वाला जो part है वो आपके syllabus से remove हो गया है, but फिर भी मैं आपको करवाऊंगी. Okay, so perimeter given वाला ये आपका exam के उससे purpose से नहीं है, लेकिन आपके knowledge के लिए मैं आपको करवाऊंगी. ठीक है, ये दोनों आपके syllabus में है और angle bisector आपके syllabus में है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक छोटा सा ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या करना है. ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना सीखेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. सो सबसे पहले मैं इसके लिए क्वेश्चन राइट कर रही हूँ. Draw a line segment of 7 cm and bisect it. इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको बनाना है 7 cm का एक line segment AB. Okay, after that मोर देन हाफ, इट मीन्स 7 cm का हाफ होता है 3.5, और 3.5 से ज्यादा आपको लेनी है, मोर देन हाफ आर्क लेना है, और उस आर्क को एक पॉइंट यहां से रखना है, एक पॉइंट यहां से कट करना है. सिमिलरली एक यहां से और एक यहां से, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. ये पॉइंट पी आएगा, ये 3.5 cm, ये भी 3.5 cm. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. ओके, आफ्टर दैट मोर देन हाफ आर्क, कट फ्रॉम वन एंड पॉइंट अपसाइड एंड डाउनवर्ड्स, एंड सिमिलरली टेक अनदर एंड पॉइंट एंड सेम आर्क. ओके, एंड जॉइन दीज टू पॉइंट्स एंड वी गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ दिस. इट मीन्स एपी इज इक्वल टू पीबी एंड this is xy. xy is perpendicular to AB. okay, ये दोनों conditions fulfill होती है. now take a screenshot. yes, now we'll हम कुछ angles बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं 60 degree, 90 degree and 120 degree, ये three angles बनाना सिखाऊंगी आपको. वैसे आपको आते हैं, आपने previously classes में सीखे हैं ये. और एक बात बता देती हूँ आपको, आपको नाइन्थ क्लास में जितने भी एंगल्स बनाने हैं वो सारे आपको विद कंपास बनाने हैं, आपको डी की हेल्प नहीं लेनी है. ठीक है, तो डी की हेल्प से तो बनाने ही नहीं है, कंपास की हेल्प से बनाने हैं. तो सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है और यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना है. लाइन सेगमेंट और सेमी सर्कल. ठीक है, उसके बाद एक आर्क आपको लेना है, जितना आपने सेमी सर्कल का आर्क लिया है ना, सेम आर्क आपको यहाँ पे कट करना है. सो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 degree का. कितने डिग्री का बनेगा? 60 degree. जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे वो 60 degree का बनता है, फिर 120 degree का, बनाने के लिए सेम सेमी सर्कल बनाना है, एक आर्क यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के, इसी पे पॉइंट रख के यहाँ पे बनाना है, और इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है.
ये आपका 120 डिग्री का बन गया। अब 90 का बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद एक 60 डिग्री का बनाना है, एक 120। ये दोनों आर्क कट करने के बाद आपको यहाँ से एक आर्क कट करना है यहाँ पे, और यहाँ से एक आर्क करना है यहाँ पे, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ तक के एंगल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि ये सारे बेस एंगल्स हैं और ये आपको सारे आते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम किस किस के एंगल्स बना सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 जितने भी होते हैं उन सबके एंगल्स हम विद द हेल्प ऑफ कंपास बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से ये तीनों एंगल्स को ड्रॉ कर लीजिए और ये एक नोट डाल के लिख लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए, बस आपको थोड़ा सा याद रहे कि मल्टीपल्स ऑफ 15 मैम ने क्यों लिखवाया था ये। ठीक है, अब है एंगल बाइसेक्स, एंगल बाइसेक्ट। एंगल बाइसेक्ट कैसे बनाने, कोई भी एक एंगल है जो आपको गिवन है उसका बाइसेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी एंगल गिवन है उसका एक आर्क लेना है, एक कितने भी सेंटीमीटर का ले लेना आप, 1, 1.5, 2, 2 सेंटीमीटर तक आराम से ले सकते हो, उसको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ऐसे आर्क बनाना है। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे रख के यहाँ कट लगाना, एक पॉइंट यहाँ रख के यहाँ पे कट, तो ये जो बनेगा ना ये एंगल बाइसेक्ट बनेगा आपका। ओके, तो एंगल बाइसेक्ट बनाने के लिए ये करते हैं। अब आपको मैं कुछ एंगल्स बता रही हूँ उनके बाइसेक्ट कैसे बनाने हैं आपको, वो आपको करना है। ठीक है, यस, अब मैं कुछ एंगल्स बता रही हूँ आपको, वो आपको बनाने हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, 67.5 डिग्री। ये कुछ एंगल्स हैं, इन्हें मैं वन बाय वन बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले 30 डिग्री के लिए सेम प्रोसेस आपको वही सेमी सर्कल से बनाना है। अब ये बताइए 30 डिग्री किसका बाइसेक्ट होता है, 60 डिग्री का बाइसेक्ट होता है, तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाने की नीड है। ये आपने बना दिया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कट तो 0 डिग्री से लगाना है और एक कट लगाना है आपको 60 डिग्री से, और इन दोनों को जो आप ज्वाइन करोगे वो आपका 30 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, एंड सिमिलरली 45 किसका हाफ होता है, 90 डिग्री का हाफ होता है, तो सबसे पहले इसमें 90 डिग्री का बनाएंगे। सेकेंड मैं इसी में बता देती हूँ 90 डिग्री का, यहीं पे ये हो गया सेमी सर्कल, ये 60, ये 120, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको एक कट लगाना है 0 से, आर्क आपको सेम ही रखना है, एक कट लगाना है 0 से और एक लगाना है 90 से, यहाँ पे रख के यहाँ से लगाना है आपको। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये आपका हो गया 45 डिग्री, 90 का हाफ होता है। अगर आप इसको 30 और 60 के बिटवीन भी बनाते हो तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 75, तो मैं इसी में बता देती हूँ 75 का, बार बार नहीं बनाऊंगी। 75 का बनेगा आपका 60 और 90 के बिटवीन, 60 और 90 के बिटवीन, इट मीन्स एक कट आपको यहाँ से लगाना है, एक कट यहाँ से लगाना है और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये आपका हो गया 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 डिग्री का हो गया आपके पास। अब है 105 का आपको 90 एंड 120 के बिटवीन बनाना है। 105 का कहाँ का बनाना है, 90 एंड 150। सो देखिए आप 90 एंड 150 के बिटवीन एक कट यहां से लगाना है, एक कट यहां से, और इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये 105 का हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, बहुत इजी है,
आप एक में ही मत बनाना, आप जैसे मैं तो एक में बना के दिखा रही हूँ आपको, आपको हर एक का अलग अलग बनाना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट है 135। इसका बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब एक कंप्लीट लाइन बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद एक कट लगेगा 90 डिग्री से और एक लगेगा 180 डिग्री से, और इसे यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा 135। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब है 22.5। तो 22.5 किसका बाइसेक्ट होता है, 45 का। तो सबसे पहले आपको 45 डिग्री का बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 45 डिग्री का बनाएंगे सबसे पहले हम। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। और यहां से मैं बनाऊंगी एक बाइसेक्ट यहां से और एक यहां से, तो ये हो जाएगा 30 का, ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब मैंने बताया था इन दोनों के बिटवीन, अगर 90 से भी बना सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां से 35 से इजी बन रहा है। तो यहां इन दोनों के बिटवीन जो बनेगा वो हो जाएगा 45, ये 45 का बना दिया। अब 45 का भी हाफ बनाना है आपको, ठीक है, 45 का भी हाफ बनाना है। यस, मैं आपको 45 का बनाना सिखा रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिस वजह से रह गया था वो बीच में, तो मैं आपको दोबारा सिखा देती हूँ। ये मैंने हाँ 60 से सिखाया था वो आपको, तो ये 60 डिग्री का हो गया। इसके बिटवीन में यहाँ पे बना लेंगे, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर इन दोनों के बिटवीन में बनाएंगे, ये आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। ओ 45 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जीरो से कट कर रहा है और एक 45 से कट करना है, और इसे यहाँ से ज्वाइन कर देना है, ये हो जाएगा 22.5 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद 15 डिग्री का कैसे बनाना है, 0 डिग्री और 30 डिग्री के बिटवीन बनाना है, एंड 67.5, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री के बिटवीन बनाना है आपको। ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करनी है, और इस कंप्लीट एक्सरसाइज करने के बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी। सो आज के लिए ये सारे एंगल्स आपके 11.1 में है, अगर कुछ रिमेनिंग एंगल्स है उन्हें भी कम्प्लीट कर लेना, ओके। एंड 11.2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डू योर वर्क कंप्लीट।